समाधान ये हो गया कि कल आप लोग बना के यहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है, अस्थायी समाधान, फिर हम लोग वेट करेंगे कि कब पत्थर आए। मामला क्या, क्योंकि माई साथ एक्टिविटी करेंगे आप लोग, प्रोजेक्ट भी चलेगा, ठीक है। तो और अस्थायी समाधान के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने पॉलिसी बनाया है, इस पॉलिसी का भी आप लोगों ने अगर इसका आप लोग समाधान के रास्ते पर ले जाइएगा तो निश्चित रूप से आपका खदान भी चलेगा और यहाँ जो जनहित के लोग जो है उनको भी जो भी है फुल रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात, उसके साथ साथ यहाँ इस गांव से संबंधित जो भी स्वास्थ्य सुविधा नौकरी वो सबको भी किसी भी तरह का आपको समस्या करना नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपका डिपार्टमेंट आपका नाम सब खोल कर रखे। ठीक है, इसके लिए आप लोग कल आइए सुबह। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वेलकम करेंगे सर। आप 8 बजे रखिए, 7 बजे रखिए, 10 बजे रखिए। मुखिया जी को पूछ लीजिएगा, फोन करके उनसे बात कर लेंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कभी कभी होता है कि जब है कोई कोई काम में फंस जाते हैं, मान लो आपको 10 बजे का समय दिया, वो 12 बजे, ऐसा नहीं कि आपको बोले कि आप पूछ लीजिएगा समय कि कितना बजे हम लोग आए, उसी टाइम में आपको आना पड़ेगा। पहले नहीं, बात ये होता है ना सर, देख आप बोलिएगा अपना काम को, हम देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। पहले घटना भी नहीं है, घटना पहली बार नहीं हुआ है, उसके बाद प्रधान जी का घर में भी गिरा। आप दोनों को यूँ आ रहा हूँ, यूँ रुकना, ये आ रहा हूँ। आप चाबी बोले, चाबी लाने दीजिए, चाबी लाने दीजिए, ना ना चाबी जी। अब दे वो पत्थर देख लीजिए, आप अंदर जाइए। चलिए चलिए, आप ऊपर वाला ये मैं वहाँ पर ऊपर वाला ये दीवार था, दीवार में ये करके पत्थर कहाँ है? चलिए पत्थर पत्थर है ना सर, पुराना पत्थर है, पत्थर कहाँ है? अभी तो कोई छुआ भी नहीं है, छूना भी नहीं है, चाबी मार दिया तो। उसको नीलो लेके जाएगा। हेलो, हाँ एक गांव में है, बाद में बात करते फ्यूचर तो बाबू नहीं अच्छी हुई ना है, बाकी है मतलब आगे से दुर्घटना जी। मेरा नाम लक्ष्मी अमरम है, थोड़ंगा गांव से, क्षेत्र पड़ता है कौन पंचायत में? केरवा डुंगरी पंचायत में, सुंदरनगर स्थान, हाँ स्थान जमशेदपुर। क्या मामला क्या है? वो आज मतलब हम सोए हुए थे यही रूम के अंदर में, तो अचानक से ब्लास्टिंग हो गया, उसके बाद पूरा पत्थर अंदर आ गया मेरे, बस हम सोए हुए थे, बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा ये हो गया, नहीं तो लग जाता मेरे को। वो ब्लास्टिंग हुआ वही का मतलब, क्या ब्लास्टिंग होता है? यहाँ पर ओपन माइंस है ना, वहाँ का ब्लास्टिंग यूरेनियम का है, ओपन माइंस का यहाँ ब्लास्टिंग हुआ। फैसला अभी फैसला तो कुछ हुआ नहीं है, हम लोग वही मतलब चाह रहे कि आगे ऐसे ना हो। छोटे छोटे घर में बच्चे भी हैं? जी बच्चे भी हैं, और अगर रूम तक आ रहा तो बोलिए बाहर में भी हम लोग कैसे रह सकते हैं। जो पत्थर हटाया गया जो? नहीं नहीं वहीं पर है, अभी भी रूम में अंदर में है। कुमार नाम है मेरा, मैत्री कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। क्या मामला, पूरा गांव वाला लोग उखड़ गया? तो मामला वही है, ब्लास्टिंग में जो है पत्थर आखर के घर पर गिरा था, वही मामला है। इसका कोई अस्थायी समाधान निकला? तो स्थायी समाधान जो है
तो अभी जो आप तो आप लोग तो सभी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सब अभी यूसीएल का अधिकारी लोग भी आपसे बात कर रहा है, गांव वाले से भी बात कर रहा है, तो समस्या का समाधान निकालेगा। तो उन लोगों का बहुत सारा समस्या है गांव का, गांव का समस्या को जो है हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो एक टेम्पररी पार्ट टाइम जॉब के लिए हम लोग आए हैं। तो अगल बगल गाँव का जो है पूरा जो है बहुत आदमी को यहाँ पे जितना आदमी काम कर रहा है सभी लोकल है, 90% लोकल है, तो इसी गांव का भी है, अगल बगल गांव का भी है, तो इतना हम लोग कर सकते सर। बाकी जो है स्टेटटरी जो भी है वो रिलेटेड पूरा जो है यूसीएल देखता है, तो इन लोगों का जगह का जो भी समस्या है उसका समाधान निकालने वाला वही है, ओनर ग्रुप है वो, हम लोग पार्ट टाइम वाले हैं। चलिए तो हमारा सर क्या है उसमें, जो हम लोग से जो भी होता है वो न्याय न्याय तो उन लोगों को करेंगे हम, हमारी तरफ से जो क्या मामला है पूरा रात को पूरा गांव क्या चीज करूँगा। ये आज जो बीएनडी बंधुड़ंग माइंस ओपन कस्ट माइंस में जो आज माइंस कौन थाना क्षेत्र में, ये सुंदरनगर थाना क्षेत्र में, और अपना नाम बताइए विक्रम टुड्डू और यहाँ के विस्थापित हैं। और मामला क्या हुआ, मामला आज 3 बजे ब्लास्टिंग के दौरान 3 फेज में ब्लास्टिंग हुआ, पहला फेज कमज़ोर था लेकिन दूसरा फेज में इतना ज़्यादा ब्लास्ट था गांव तक पत्थर आया, आपके सामने में जो सीमेंट का टाली तोड़ के पत्थर नीचे गिरा, ये सबसे बड़ी ये घटना है, इसके पूर्व भी घटना हो चुका है, इस तरह का वार्ता हो चुका है, वो कंपनी इसको हमेशा नज़रअंदाज करती है, लेकिन इस बार आप अपने आँख से देखें, और पिछले बार अभी फैसला क्या हुआ, और कंपनी तक हम लोग बंद कर रखा है, कल तक वार्ता के लिए कंपनी में हम लोग को बुलाया गया है, हम लोग में पक्ष रखेंगे, अगर उसमें कोई समाधान नहीं होगा, स्थायी समाधान नहीं होगा तो फिर आगे की रणनीति होगा और हम लोग फिर बंद करेंगे। मैं कानू मुर्मू केरवाड़ उंगरी पंचायत मुखिया, आइए केरवाड़ उंगरी पंचायत अंतर्गत सुंदरनगर थाना के अंदर है और ये धोड़ंगा गाँव है, और ये बंधुड़ंग प्रोजेक्ट के में जो आज ब्लास्टिंग हुआ, काफ़ी ज़ोरदार ब्लास्टिंग हुआ और ये पत्थर वहाँ से आके एक घर में गिरा, जो घर में लोग भी थे, लेकिन ये अच्छा रहा कि कोई आदमी को लगा नहीं। तो इस प्रकार से ये इससे पहले भी 2011 में भी हुआ था और आज भी हुआ, ये पुनरावृत्ति हो रहा, ये देखने की बात है कि प्रशासन को और मैनेजमेंट को किस प्रकार से स्थायी समाधान हो इस पर गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर इस प्रकार से ही ऐसे चलते रहे तो किसी भी दिन जान माल की बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो हमारे मुखिया जी, आप यहाँ के मुखिया हैं, आप यहाँ की ये जो घटना आज की नहीं है, हर बार होता है, इतना देर से क्यों आपने आवाज़ उठाया? नहीं नहीं तो ये हम हुआ था, परसों भी होगा, नहीं नहीं आने वाला समय ये हम लोग पहले जो हमारे 2011 में था उस समय एसडीओ स्तर के वार्ता करके हम लोग ये गए थे, उसके बाद इन इश्योर किया था कि ऐसे नहीं होगा और आज ये हो रहा है, तो हम तो इस कल क्या गारंटी कि जो अभी आपसे बात होगा कल फिर नहीं होगा ना, हम लोग यही चाह रहे हैं, ग्रामीण भी यही चाह रहा है कि यहाँ का स्थायी समाधान हो, कि यहाँ जो ये जो है जो गांव देख रहे हैं, घर जो देख रहे हैं, ये जो है अधिकृत क्षेत्र के अंदर बसा हुआ है जो कि होना ही नहीं चाहिए। यूसील को चाहिए कि इसको कहीं पुनर्वास करके उनको पूरा सुविधा के साथ नौकरी जगह दे के उनको अलग जगह उनको पुनर्वास किया जाए, अलग मामला है, और यहाँ पुनर्वास और एक सुरक्षा, अभी तत्काल में सुरक्षा का बहुत बड़ा मैटर है। इसी चीज़ को लेके मैनेजमेंट के साथ प्रशासन के साथ आज यही तय हुआ कि कल 10 से 11 बजे के अंदर ये वार्ता होगी, और वार्ता में सभी चीज़ को पहलू को देखते हुए इसका समाधान के लिए हम लोग मांग करेंगे, ग्रामीणों के साथ हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ का लोगों को पुनर्वास दिया जाए और बाकी और कुछ भी मामला है उनको भी सेटल किया जाए ताकि हमेशा के लिए ये समस्या समाधान हो जाए। ना यही हुआ कि यहाँ पर ओपन कास्ट में तो वो ब्लास्टिंग का जो पत्थर है क्या है, हम लोगों का जो छज्जा है टाली घर है वो टाली घर के अंदर घुस गया है पत्थर, तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा बर्ता किए, आंदोलन किए, इसके लिए माइंस भी गए हम लोग, माइंस में बातचीत डर लगता है आप लोग को, इतना ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग होता है हम लोग को बहुत ज्यादा डर डर के हम लोग को रहना पड़ता है, यहाँ जब ब्लास्टिंग होता है तो पूरा जमीन हिल जाता है, जैसे भूकंप आ रहा है, जैसे भूकंप हो रहा है, जैसे उस टाइप का हम लोग को लगता है। आप लोग जो छोटे छोटे बच्चे उसको कैसे करके सुरक्षित रखते हैं? छोटा छोटा बच्चा तो और ज्यादा डरे रहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी में हम लोगों को रहना पड़ रहा है, इसीलिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सीता सोरेन है। गांव
मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। भी झारखंड के जितने भी गांव हैं, खास करके वह गांव जो उनके बगल में माइनिंग हो रहा है, चाहे वह कोयला का हो, अब्रक का हो या कोई भी धातु का हो, लेकिन यह गांव से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मामला ऐसा है कि यहां पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक ओपन माइंस है जिसमें ब्लास्टिंग होता है, और ब्लास्टिंग के कारण पूरे जितने भी गांव हैं वहां के गांव में पत्थर, बड़े बड़े पत्थर टूट के जाता है। पूरे गांव वाले ने जाकर यूसीएल प्रबंधक से कल रात को ही बात की है कि आप इसका एक समझौता कीजिए, नहीं तो आपका खनन हम होने नहीं देंगे। और यह गांव का एकता का प्रतीक है, जिसमें से छोटे छोटे बच्चे, महिला, पुरुष सब उस माइंस एरिया में रात को चल गए, और जिला प्रशासन पुलिस के साथ यह समझौता हुआ कि हम आपकी जो जो मांग है हम आपकी मानेंगे। और इसी के बाद यह लेटर मिलता है उनको, और उनकी जो मांग है वह इनको मिलेगा, यह कंपनी ने लिख के दिया है। तो यह लेटर छोटा है, लेकिन यह एक रास्ता दिखा दिया है उस गांव के, उस ट्राइबल बस्ती को और उस आदिवासी को जिनका जल, जमीन, जंगल दिन पर दिन घटते जा रहा है, वह अपने ही गांव से विस्थापित होते जा रहे हैं। और इसका ये नमूना है कि वहां गांव वालों ने संघर्ष करके उतने बड़े भारत सरकार के उपक्रम से अपनी मांग को मनवाया। और यहां पर पूरे गांव वाले हैं जहां पर मागी बाबा, मुखिया और वहां के जो समाज सेवी हैं, जो युवक है, युवती है, सब है। तो हम पहले मागी बाबा से बात करते हैं कि यह गांव कहां पर है और क्या कहानी है इस गांव की। मैं संग्राम टुडू, दौड़ांगा गांव के ग्राम प्रधान और खनन बांध उड़ंग के सामने मेरा गांव है। अधिग्रहण 2005 में किया गया है, तो उस समय से हम लोग को जो परेशानी हो रहा है, मैनेजमेंट को बताते जा रहे हैं, आंदोलन करते जा रहे हैं, फिर भी टालते जा रहे हैं, फिर कुछ समस्या हम लोग से कुछ ये नहीं, समाधान नहीं कर रहे हैं। तो ये घटना आज हम लोग बैठे हैं, तो ये दूसरा समस्या है। पहले की समस्या तो मेरे घर में ही हुआ था, उस समय भी टल के कुछ ये नहीं हुआ, डिसीजन नहीं हुआ है, अपना खनन फिर शुरू किए। उसके बाद फिर अभी दोबारा हुए हैं, तो दोबारा अपना बस्ती में ही संजू हंसदा के घर में, तो इस बार हम लोग आंदोलन किए, तो विरोध किए, तो सब कुछ हुआ, बात लिखित समझौता हुआ, उसको हम लोग का बात भी माने। और खुशी की बात है कि गांव में हम लोग को थोड़ा बहुत उत्साह दे रहा है कि ये मेरे लिखित दिए हैं, लेकिन पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी और कुछ बाकी है, वो सब हम बात में बात करेंगे, उसके बाद बैठक करेंगे। और लेकिन एक शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई, शुरुआत अच्छी हुई है। चलिए मुखिया जी, बहुत बड़े संघर्ष के कारण आपने मतलब इसको लीड किया, और एक एक गाँव का आप दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी गांव में रहते हैं। जमशेदपुर एक आधुनिक शहर और एक गांव, तो यह विडम्बना है कि इतने दिन संघर्ष के बाद आज लिखित कुछ समझौता हुआ, क्या क्या मामला क्या है थोड़ा बताइए। ये किराडुंगरी पंचायत का यूसिल माइंस है, यहाँ पर बांधोहुडंग प्रोजेक्ट है ओपन कास्ट, और ये गांव जो है धोड़ांगा है। तो आप ओपन कास्ट माइंस से ये काफ़ी नज़दीक में है, और आपको बता दें ये गांव यूसिल का अधिकृत क्षेत्र में ही है, जो कि उतना सामने में नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे है, जिसके चलते पिछले 2010-11 में भी ऐसे घटना घटी थी। और इसी प्रकार से हमारे माजीवा के घर में ही पत्थर आ गया था, उस समय भी बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई, बहुत सारे बातें हुई, और उसके बाद तो हुआ नहीं फिर। और लिखित समझौता कुछ हुआ
बात हुई थी, लिखित समझौता बहुत सारे हुए थे, उसके बाद नहीं होगा, लेकिन फिर कल भी ऐसे घटना घटी, तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति हो जा रहा है। तो इसीलिए हम सभी का, ग्रामीणों के साथ हम सभी का यही मांग है कि आप अधिकृत क्षेत्र है तो आप इस जगह को जितना प्रोजेक्ट के सामने तो रख ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज किसी जनमल तो हानि नहीं हुआ, लेकिन कभी हो सकता है, इसीलिए हम सब लोगों का यही मांग था कि हम सभी को अधिकृत क्षेत्र में है, जल्द से जल्द हम लोगों को पुनर्वास का लाभ दिया जाए, उसके बाद और जो भी हमारे मांगे हैं उस पर हम पहल किया जाए। आज हम लोग, कल जो ग्रामीण के माध्यम से जैसे घटना घटी माइंस में चले गए, उसके बाद हम लोगों ने सभी पदाधिकारी के साथ स्थल का निरीक्षण किया, और कल हम सभी का यही मांग था कि हम लोगों के साथ बर्ता हो जो सक्षम पदाधिकारी के साथ, और आज हम लोग 10 बजे से हम लोग वार्ता किए, 2-3 घंटा वार्ता किए, और ये बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई हम सभी के साथ, जिससे जैसे हम लोग का अभी 15 दिन के अंदर ही राज्य सरकार को लिखा जाएगा, यहाँ पर पुनर्वास का जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, उसके बाद जितना भी इस एरिया में जो भी डेथ केस हो या लैंड के आवाज में नौकरी जो पेंडिंग है, उसको भी बहुत ही जल्द अप्लाई करके उनको उस पर पहल किया जाएगा। उसके बाद यहीं पर एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, जिसमें सरकारी स्कूल है, जिसमें ब्लास्टिंग होने से उसमें दरार पड़ गया है, जिसे ब्लास्टिंग के समय बच्चा लोग बाहर निकल जाते हैं क्योंकि इतना हाई ब्लास्टिंग होता है और उसमें दरारें भी हैं, तो उसको लेके 2-3 दिन में टीम विजिट करेंगे, हम सब संयुक्त रूप से विजिट करेंगे, और वहाँ का भवन का मरम्मती और बाउंड्री एसीएसआर फंड या अन्य फंड से तत्काल तुरंत उसको पहल कर रहे हैं। उसके बाद जो भी लोकल यहाँ पर बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए 15 दिन के अंदर इस पर पहल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, इसलिए हम लोग बोले हैं। उसके बाद जो ब्लास्टिंग जो कल हुआ उसके लिए भी जो भी उचित मुआवजा है उसको आज ही उनको मिल जा रहा है। उसके बाद हर महीना हमारे इस ग्राम सभा के साथ हर एक महीना बैठक होगी, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत मुद्दाएं आगे है तो समीक्षा होते रहेगा और एक संवाद रहेगा ग्रामीणों के साथ, तो हमेशा कोई भी इशू नहीं रहेगा, और इससे माइंस भी अच्छा से चलेगा, गांव वाला का जो मुद्दा है वो भी समाधान होगा, और हम लोग जो बंद किए थे आज 20 शिफ्ट से काम भी चालू हो जाएगा। तो ये आज का वार्ता जो यूसिल के तरफ से राकेश कुमार क्या पद था उनका, डीजीएम पर्सनल है, और जीएम चंचल मन्ना, मैनेजर संजीव कुमार वो थे, और हमारे हम ग्रामीण के तरफ से माझी बाबा और यहाँ के हमारे सागर बेसरा जी, विक्रम टोडू जी, जैक टोडू जी, रामचंद्र टोडू जी, और यहाँ से तमाम महिला साथी, युवा साथी, सभी लोगों का काफ़ी भागीदारी रहा कल से आज तक भी, आप देख रहे हैं डटे हुए हैं, तो काफ़ी संघर्षशील रहा है धोरंगा गाँव, संघर्ष करके बहुत कुछ हम लोग अचीव किए हैं, और इस गाँव का जो एकता है, एकता के बाद बोलते अभी आप देख रहे हैं 10 घंटा के अंदर इतना सारे मुद्दों पे सहमति बनी सकारात्मक रूप से, ये ग्रामीणों का हम सभी का जीत है, और हम पूरा आशा है आने वाला दिन और सकारात्मक रूप से यूसिल हम लोगों के साथ काम करेगा। मैं कान्हू मुर्मू, किरणपुर पंचायत मुखिया। क्या बोलना चाहेंगे सर? ये बांधुरंग ओपन कास्ट माइंस का मामला है, वास्तविक जो आज यूसिल के साथ जो वार्ता हुई, त्रिपर्तीय वार्ता, बहुत सकारात्मक रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में ये जो भी कंपनी के द्वारा लिखित हम लोगों ने डिमांड किया था, हमारे कागज आ गया है, हमारे एग्रीमेंट हो गया है, उन पर अमल होगा, हम लोग आशा करते हैं। और सच है कि हम लोगों ने इतना सालों से संघर्ष किया है, और हम लोग जो ब्लास्टिंग का
ध्वंस हम लोग झेल रहे हैं ये काफ़ी दयनीय है। और कल जो घटना हुआ ये आने वाला दिन में पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी हम लोग ने उपाय किए। ये पहला मांग थी हमारी जो गांव को डिस्प्लेस किया जाए। गांव को डिस्प्लेस करने से ये मामला वास्तविक में स्थायी रूप से समाधान हो जाएगी। हम लोग भी सरकार से और यूसिल से भी डिमांड किया है कि हम लोग को कहीं सुरक्षित जगह में ज़मीन दिया जाए, और जो भी बचे हुए नौकरी हमारे ज़मीन के एवज में 15 दिन के अंदर में वैकेंसी निकाला जाए। उसमें हम लोग हर महीना सेकंड सैटरडे को हम लोग बैठक करेंगे और जो भी आगे की रणनीति होगा हम लोग तय करेंगे। और काफ़ी इस संघर्ष में महिलाएं लोगों भी साथ है। और वास्तविक ग्राम सभा का क्या पावर है, हम लोग पहली बार जाना ग्राम सभा में जो भी योजना ग्राम सभा ग्राम के लोग तय करते हैं, चाहे सरकार हो चाहे कंपनी हो, वास्तविकता में उसको मानना पड़ेगा। यह ग्राम सभा का पावर है, सिस्टम है, कानून है, ग्राम सभा बहुत शक्तिशाली है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो भी इसमें त्रिफेरी वार्ता किए उसमें कंपनी भी झुके, और जो भी यहाँ के बेरोजगार युवक है अभी फिलहाल दुर्गा पूजा सामने है, इसीलिए हम लोग भी डिमांड किया था अविलंब इसको विस्थापितों का समस्या को समाधान किया जाए, नहीं तो हम लोग ओपन कास्ट माइंस फिर बंद करेंगे और ब्लास्टिंग भी नहीं करने देंगे। लेकिन दुर्गा पूजा सामने है, ऑफिस वगैरह भी बंद रहेगा और विस्थापित का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है, उसको काफ़ी विस्तार से चर्चा करने के बाद ही जो भी हमारी डिमांड है, चाहे घर का मुआवजा हो, नौकरी हो, घर का जो भी सर्वे हो, सभी कंपनी और ग्राम प्रधान के द्वारा समुचित रूप से सही हो, इसका भी हम लोग मूल्यांकन करेंगे। और जो भी कंपनी ने बोला है कि प्रशासन को हम लोग 15 दिन के अंदर में चिट्ठी लिखेंगे और उसको सकारात्मक रूप में ज़मीन में उतारेंगे, और जो भी व्यक्ति यहां डिस्प्लेस हुए हैं सही व्यक्ति को नौकरी मिले उन पर हम लोग विशेष फोकस दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग भी यूसिल को टाइम दिए और आज काफ़ी शांत माहौल में इस समझौता हम लोग किए। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी काफ़ी मतलब बधाई के पात्र है, और कंपनी को भी इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आने वाला दिन में अगर हमारी मांगे जो उसको लिख के एग्रीमेंट किया है नहीं सुनता है तो फिर हम लोग बंद करेंगे, ये हमारी ग्राम सभा की ताकत है। मैं विक्रम टुडू धोड़ंगा विस्थापित। एक ग्राम सभा की ताकत है और यही ग्राम सभा की ताकत बिरसा मुंडा के पास था, और यही ग्राम सभा की ताकत तिलका माझी के भी पास था। अगर उन्होंने ठान चुका है, अगर ठान के जिद में अगर आ गए तो लो अपनी मांग लेकर रहेगा। और इसका उदाहरण यह है कि ना यहाँ सांसद है, ना विधायक है और ना कोई जनप्रतिनिधि है, मुखिया उसी गाँव के है लेकिन वह पहले गांव के है। और इसका शांतिपूर्वक ना यहाँ फोर्स का बुलाया गया, ना मैनेजमेंट को उसे डिस्टर्ब किया गया, लेकिन मैनेजमेंट से जिस प्रकार अपनी गांव की सुविधा और अपनी गांव की भविष्य के लिए जो जो लिखवाना था वह लिखवाया गया है। अब देखना है कि कागज में लिखा हुआ काम या होता है या नहीं, या तो समय बताएगा, लेकिन या दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसमें कागज में जो लिखा गया है वह सही में धरातल पर उतारा जाए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।